देखिए हाइपरलिंक लगाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर मैंने तीन रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट 1, 2, 3, ठीक है। दूसरी शीट में है, शीट 2 में हम जाएंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट बना रखी है, कुछ भी डेटा है, मैंने केवल हेडिंग डाल दी है। अब पहले पर क्लिक करें तो यहाँ है, दूसरे पर क्लिक करें तो यहाँ है, तीसरे पर क्लिक करें तो यहाँ है शीट 2 में। तो कैसे करेंगे, शीट 1 में जाएंगे, अब यहाँ पर राइट क्लिक कर देना, रिपोर्ट 1 पर राइट क्लिक, और यहाँ पर हम जाएंगे लिंक पर, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही आएगा, देखो सेल रेफरेंस शीट 1 शीट 2, दो शीट हैं इसके अंदर, तो शीट 2 पर क्लिक कर देंगे। अब शीट 2 में हमारा जो क्लिक करके कहाँ पर जाना चाहिए वो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका सेल का नंबर डालेंगे। तो इसको पहले मैं कैंसिल करता हूँ और अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखो पहला है C8 पर जाना चाहिए, दूसरा जाना चाहिए C16 पर, और तीसरा है C25, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले वाले पे जाता हूँ, C8 है ना वो, तो लिंक पर जाता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करके मैं करता हूँ भाई ये चले जाए C8 पर, और ओके कर देते हैं। तो अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो C8 पर चला जाएगा, तो ये आ गया ना C8 पर, कर्जर आ गया। अब दूसरा है C16 और तीसरा है C25, तो चलो इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक, लिंक शीट 2, अब C16 और ओके कर देते हैं, और तीसरा है C25 था लिंक, और शीट 2 पे जाए और ये C25 पे चले जाए, ठीक है, ओके कर देते हैं। और अब देखो मैं अब क्लिक करता हूँ तो देखो तीसरे वाले पे करता हूँ तो ये सीधा कर्जर जो है C25 पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया C16 पे आ गया, देखो कर्जर देख रहे हो, तो ये है। अब हम मान लो यहाँ पर एक बैक का बटन बनाना चाहते हैं तो शीट 1 पे जाए और यहाँ पर क्लिक कर दे, ठीक है, A3 पर, तो यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं बैक, इंटर, इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ कंट्रोल यू करके। अब राइट क्लिक करते हैं लिंक, और शीट 1 पर जाए और शीट 1 पर A3 पर ये कर्जर हमारा पहुंच जाए। अब मैं कर देता हूँ ओके, और शीट 1, हाँ चलो यहीं से पहुंच जाते हैं, देखो रिपोर्ट 1 पे गया मैं, अब बैक पे क्लिक करूँगा तो फिर हम इधर आ गए A3 पर आ गए, रिपोर्ट 2 पे गया मैं, बैक पर क्लिक किया इधर आ गए A3 पर, रिपोर्ट 3 पर हम गए, देखो कर्जर वहीं पहुंच जाता है, बैक पर क्लिक किया मैंने तो हम A3 पर आ गए शीट 1 में। तो ये होता है हाइपरलिंक हमारा जो है एक्सेल के अंदर।